पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर्ड, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है. इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, बट बॉलीवुड इज मोर पार्ट ऑफ आर कल्चर बिकॉज वी यूज टू शेयर दैट. आज के इस वीडियो ब्लॉग में पाकिस्तान के एक मशहूर कलाकार उस्मान खालिद बट के इंटरव्यू से उठे सवालों की चर्चा करेंगे, जिसका एक अंश अभी आपने देखा भी. अपने इंटरव्यू में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान का कल्चर भारतीय कल्चर से मिलता जुलता है, न कि ईरान और टर्की से. हकीकत भी यही है. 1947 के पहले तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे, लिहाजा सभ्यता और संस्कृति भी लगभग एक ही जैसी थी. परंतु आज भारत विरोध के नाम पर पाकिस्तान के राजनेता और कुछ धर्मगुरु अपने को टर्की, ईरान और अरब, न जाने और किस किस से अपने को जोड़ने लगे हैं. भारतीय सीरियल्स को बंद करा के टर्की का सीरियल इर्तुगुल गाजी भी दिखाया जा रहा है. इस संजीदा और गंभीर विषय पर थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले देखते हैं उनके इंटरव्यू का कुछ अगला अंश. पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर्ड, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है. इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, बट बॉलीवुड इज मोर पार्ट ऑफ आर कल्चर बिकॉज वी यूज टू शेयर दैट, रादर देन, यू नो, लेट्स से अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है. अभी भी शाहरुख खान का कोई गाना लग जाए जी, लता जी का कोई गाना लग जाए उधर, अभी फरीदा जी का कोई, फरीदा खानम साहिबा का कोई गाना लग जाए, वसीम अकरम की कोई बोलिंग की क्लिप चल रही हो उनके टेलीविजन, तो वो रोक के सुनते हैं और देखते हैं. और हम भी यही करते हैं. बिल्कुल. तो आपने जो आर्टिफिशियलिटी की बात की बॉर्डर्स की, ये तो फिर सियासत है और हम इस सियासत में डूब पड़े हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पॉलिटिक्स, राइट? मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या. इट्स ऑल पॉलिटिक्स एंड इट्स सैड. इससे पहले तो मैं एक छोटी सी और बात करूंगा कि आपने बिल्कुल जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं एंड हाउ, मतलब जो एक रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जा रहा है रादर देन, यू नो, अ टूल ऑफ एनलाइटनमेंट एंड ऑफ लव एंड ऑफ लव एंड ऑफ, यू नो, ऑफ पीस एंड ऑफ प्रोग्रेशन एंड एजुकेशन, ऑफ कोएग्जिस्टेंस. हम बहुत नेगेटिव कॉम हैं, अनफॉर्चुनेटली. हम थ्राइव करते हैं लोगों की बुराइयों पर, ना कि उनकी अच्छाइयों पर. इट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. आप इंडिया को देख लें, किस तरह आर्ट को कल्टिवेट किया जाता है. मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स आई एम श्योर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें, लेकिन एज अ क्राफ्ट आप जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं एक एक्टर हूँ या मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, तो उनकी शक्ल पे, एक माथे पे शिकन आ जाती है. कल्चर है क्या? मुझे हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है. और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है. इतिहासकारों के अनुसार भारत में इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में आया, जब मोहम्मद साहब के एक साथी मलिक बिन दिनार भारत आए और उन्होंने भारत में पहला मस्जिद 629 ईस्वी में गुजरात राज्य में बनाया. इसके बाद यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम धर्म अपनाना शुरू किया. दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आज भारत में जितने भी इस्लाम धर्म के अनुयायी या मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके पूर्वज पहले हिंदू ही थे. इसी बीच 8वीं शताब्दी में एक घटना घटी. श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर के लिए कुछ तोहफा पानी के जहाज से भेजा था, पर उसको रास्ते में ही सिंध के बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने लूट लिया. उस समय सिंध के शासक एक ब्राह्मण राजा दाहिर थे. बगदाद के गवर्नर ने उस लूटे हुए सामानों का मुआवजा राजा दाहिर से मांगा, पर उन्होंने इनकार कर दिया. और इस इनकार का बदला लेने के लिए बगदाद के गवर्नर ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सेना के साथ भेजा और उसने राजा दाहिर को हरा कर अपना राज्य 712 ईस्वी में सिंध में स्थापित किया. और इस प्रकार मुस्लिम शासन का भारत में प्रारंभ हुआ. और इस मुस्लिम शासन के राजाओं का
712 से लेकर 1857 तक राज्य भारत पर चला। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं। इस दौरान मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर और हिंदू संस्कृति का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ा। मुगल बादशाह अकबर ने तो दोनों संस्कृतियों को मिलाकर एक नया धर्म भी चलाया था, जिसे दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम धर्म के प्रचलित धार्मिक संस्कार अकीका और बिस्मिल्ला दरअसल हिंदू धर्म के मुन्नर और विद्या आरंभ संस्कार से प्रभावित हैं। उसी प्रकार हमारे धर्म के प्रदा प्रथा और बाल विवाह भी मुस्लिम धर्म की देन माना जाता है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मजहबों को एक साथ रहने का लंबा इतिहास रहा है। बंटवारे के बाद कुछ समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर भारत में थोड़ी दरार पड़ी थी, पर भारत के लोग इसे भूल गए, पर पाकिस्तान के लोग शायद इसे भूल नहीं पाए हैं, या यह कहा जा सकता है कि कुछ निहित स्वार्थ के लिए वहां के चंद राजनेता और धार्मिक गुरु इसे भूलने नहीं दे रहे आप हैं। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय।